शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी इंग्लिश की बुक माय बुक ऑफ इंग्लिश लेसन 2 अबू अली काउंट्स हिज डंकीज करेंगे। तो लेसन 2 किसके बारे में है? अबू अली और उसके गधे के बारे में। अबू अली काउंट्स का मतलब होता है गिनना, गिनता है। हिज अपने, डंकीज गधे, कि अबू अली अपने गधे गिनता है। तो चलिए देखते हैं कि पाठ में क्या है। अब नीचे प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले, लुक केयरफुली एट द पिक्चर गिवन बिलो। लुक का मतलब होता है देखना, कि देखो। केयरफुली ध्यान से, एट द पिक्चर जो नीचे तस्वीर दे रखी है, गिवन बिलो, गिवन का मतलब दी हुई है, बिलो का मतलब नीचे। लुक केयरफुली एट, लुक एट का मतलब होता है देखना, कि देखो। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो केयरफुली ध्यान से, गिवन, गिवन का मतलब होता है दी हुई है, जो बिलो का मतलब नीचे, जो नीचे तस्वीर दी हुई है उसे ध्यान से देखो। फाइंड आउट क्या होता है बच्चों? पता करो या ढूंढो। हाउ मैनी की हिंदी होती है कि कितने, की संख्या में कितने। स्क्वेयर्स वर्ग आर हैं देयर इन इट, इनका मतलब अंदर, इट का मतलब इसमें, कि इस तस्वीर में कितने स्क्वेयर्स वर्ग दिए हुए हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, उनको हमें ढूंढना है, पता लगाना है। तो बच्चों, आपने मैथ की मेरी वीडियो में स्क्वेयर्स के बारे में पढ़ा है, आपको पता होगा कि स्क्वेयर्स वर्ग किसे कहते हैं। दोबारा मैं बताता हूँ कि स्क्वेयर्स क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं। ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हो, ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हो और चारों की चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। क्योंकि चार भुजाएं हैं, अब सबसे पहले हम बड़ा लेते हैं, ये बड़ा क्या है, वर्ग है। इसकी चार भुजाएं हैं, चारों भुजाएं क्या है, समान है। ये हमारा बड़ा वर्ग है, इसकी चार भुजाएं हैं और चारों भुजाएं समान है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ये जो कोण है कोने में, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये भी वर्ग है। चलो इसमें हम ढूंढते हैं। सबसे पहले हम बाहर से लगते हैं, ये पूरा बड़ा एक वर्ग है, फिर अंदर उससे छोटे चार है, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा इधर कोने में, और चौथा ये। तो चार और एक बड़ा, पांच। अब जो हमें ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इनको गिनते हैं, पांच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, दस, ग्यारह, बारह और तेरह। तेरह हमें दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, एक वर्ग ये भी है हमारा, ये इन चारों वर्ग को मिला के एक वर्ग और भी बनता है। तो हमारे कितने हुए थे, 13 और एक ये 14। तो टोटल हमें कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं इसमें, 14। देर आर 14 स्क्वेयर्स इन द पिक्चर, देर आर 14 स्क्वेयर्स इन द पिक्चर। आप दोबारा कोशिश करना गिनने की, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक ये पूरा बड़ा है, एक चार ये हमारे छोटे है, पाँच हो गए, और चार ये है, पाँच और चार नौ, चार हमें ये दिखाई दे रहे हैं, 13 और एक ये पूरा बड़ा, ये बीच में जो है 14। तो देर आर 14 स्क्वेयर्स इन द गिवन पिक्चर। तो बच्चों आगे चलते हैं, अब हम करते हैं अपना लेसन। रीडिंग पढ़ते हैं। वन एक डे, दिन, अबू अली ये नाम है,
went to the fair and bought 9 donkeys. कहते हैं कि एक दिन अबू अली went गया to the fair. फेयर क्या होता है बच्चों? मेले में. And or bought खरीदे 9 donkeys 9 गधे. कि एक दिन अबू अली मेले में गया और 9 गधे खरीदे. He rode home on one of them. He का मतलब वह रोड का मतलब सवार होना. ये राइड की दूसरी फॉर्म है. सवार हुआ होम घर के लिए ऑन पर वन ऑफ दम उनमें से एक पर. वह उन जो उसके पास 9 गधे थे उनमें से एक पर सवार होकर घर के लिए चल पड़ा. दी अदर डंकीज अदर का मतलब दूसरे. डंकीज गधे. फ्लोड बिहाइंड. फ्लोड का मतलब अनुसरण करना उसके पीछे पीछे चलना. फ्लोड बिहाइंड उनके पीछे चल पड़े. अदर डंकीज दूसरे जो गधे थे एक पे वो खुद बैठ गया और बाकी जो 8 थे वो फ्लोड बिहाइंड उसके पीछे पीछे चल दिए. आफ्टर ए वाइल अबू अली सैड टू हिमसेल्फ आर ऑल माई डंकीज हेयर. आफ्टर ए वाइल यानी कि कुछ देर बाद. आफ्टर ए वाइल उस देर बाद अबू अली सैड टू हिमसेल्फ. अबू अली सैड का मतलब कहना. टू हिमसेल्फ अपने आप को. जैसे हम बात करते हैं ना कई बार बिना बोले हम मन ही मन में बोलते रहते हैं कि ऐसा करते हैं हम बाहर जाएंगे मैं वो लेके आऊँगा मैं पापा को ये कहूँगा जबकि हमारे होठ नहीं हिलते हम मन में सोचते हैं. इसी तरह अबू अली अपने आप को कहा आर ऑल माई डंकीज हेयर. आर का मतलब है परंतु ये क्या है हेल्पिंग वर्ब. जब भी बिल्कुल फर्स्ट प्लेस पे आती है तो उसका अर्थ क्या है दोनों होते हैं. क्या भी साथ में होता है तो आर हैं और जो क्योंकि ये पहले आई हुई है तो क्या हैं ऑल सभी माई डंकीज मेरे गधे हेयर यहाँ. क्या मेरे सभी गधे यहाँ है. वो मन ही मन में उसने सोचा कि क्या मेरे सभी गधे यहाँ है. जस्ट देन ही टर्न्ड राउंड टू काउंट दम. जस्ट देन का मतलब तभी ही वह टर्न राउंड चारों तरफ घुमा टू काउंट दम उन्हें गिनने के लिए. टर्न का मतलब होता है मुड़ना. राउंड का मतलब गोलाई में. तभी वह गोलाई में मुड़ा टू काउंट दम उन्हें गिनने के लिए. तो समझ में आ रहा है ना बेटा. टर्न का मतलब होता है मुड़ना. राउंड का मतलब गोलाई में. तभी वह गोलाई में मुड़ा टू काउंट दम उन्हें गिनने के लिए. वह गिनना शुरू करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओह वेयर इज नंबर 9 अबू अली क्राइड. वह गिनना शुरू करता है 1, 2, 8. 8 गधे गिनता है. ओह फिर वो कहता है कि ओह वेयर इज नंबर 9 कि नोवा कहाँ है. कि नोवे नंबर का कहाँ. वेयर का मतलब कहाँ. ये साथ में एस दे रखा है तो इज. वेयर इज नंबर 9 कि नो नंबर कहाँ है. अबू अली क्राइड अबू अली चिल्लाया. अबू अली जोर से चिल्लाया कि नंबर 9 कहाँ है. ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज डंकी. ही जंप्ड. जंप का मतलब होता है कूदना. डाउन का मतलब नीचे. वह नीचे कूदा. ये जंप की सेकंड फॉर्म है. जंप का मतलब कूदना. जंप्ड का मतलब कूदा. डाउन नीचे. फ्रॉम हिज डंकी अपने गधे से. ही लुक्ड अराउंड. ही उसने लुक्ड देखा अराउंड चारों तरफ. उसने चारों तरफ देखा. ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक एंड द ट्रीज. ही उसने लुक्ड देखा बिहाइंड पीछे द रॉक. रॉक होता है चट्टाने.
रॉक चट्टान, यहाँ पे क्या है रॉक्स, उसका प्लूरल दिया हुआ है चट्टान का, तो रॉक्स चट्टाने, बिहाइंड पीछे, उसने चट्टानों के पीछे एंड द ट्रीज और पेड़ों के पीछे लुक्ड देखा। ये लुक्ड क्या है, लुक की सेकंड फॉर्म है। आपको पता है ना बेटा कि वर्ब की तीन फॉर्म होती है, लुक लुक्ड लुक्ड। इसी तरह जो पीछे आया था जंप, जंप की भी तीन फॉर्म है, जंप जंप्ड जंप्ड। तो ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा किसके, द रॉक्स एंड द ट्रीज, चट्टानों और पेड़ों के पीछे देखा। बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन, बट परंतु देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन, परंतु देयर वॉज नो डंकी, वहाँ पे कोई गधा नहीं था टू बी सीन, देखने के लिए, परंतु वहाँ पे कोई भी गधा नहीं था, उसे दिखाई नहीं दिया। तो बच्चों आज हम केवल इतना ही करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जितने भी वर्ब है जो मैंने आपको बताई है मैं दोबारा बता देता हूँ, वेंट, बोट, रोड, फॉलोड, सैड, टर्न्ड, काउंट, जंप्ड, लुक्ड, ये दोबारा लुक्ड, ये बी, ये सारे की सारी क्या है, वर्ब है। अगर आपके पास इनकी तीनों फॉर्म हो तो ये तीनों की तीनों फॉर्म अपनी कॉपी पे करेंगे और उसकी फ़ोटो अपने टीचर को ज़रूर शेयर करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल शिक्षा क्रांति ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।